DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. कोरोना महामारी का दौर जब से शुरू हुआ है तब से लोगों के पास चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों के पास खाने की सामग्री इस दौर के अंदर देखने को नहीं मिली है। कई भामाशाहों ने असहाय गरीब लोगों तक खाना भी पहुंचाया। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बैठक में इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना महामारी के दौरान कई बेजुबान पक्षी ऐसे भी हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। राजस्थान के अंदर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इसी के साथ कई लोग अब सोशल मीडिया की ताकत किस तरीके से असर कर रही है धरातल पर, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर परवीन कासवान IFS अधिकारी हैं, उन्होंने पोस्ट की थी। उस बेजुबान जो पक्षी हैं उनके लिए किस तरीके की तस्वीर थी वो हम आपको हुबहू अभी दिखाएंगे और उसका क्या असर हुआ वो हम दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दौरई गांव में और दौरई गांव के युवा इस वक्त यहां पर देख रहे हैं आप कि पेड़ के ऊपर एक पीपा होता है, जो उस पीपे को इस तरीके से लगाया जा रहा है कि बेजुबान जो पक्षी हैं वो इस पीपे में ही पानी पी सकें, इस पीपे से ही दाना खा सकें। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दौरई गांव के ही भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चंद्रभान गुर्जर। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये दिमाग में इनके पास आइडिया आया और पेड़ों पर इस गांव में अब इस तरीके के पीपे जो बेजुबान पक्षी हैं उनको दाना चारा के लिए ये लगा रहे हैं। किस प्रकार ये आपको आइडिया जहन में आया और अब कितने पीपे आप लोग ये लगाने वाले हैं? भारत माता की जय। जैसा कि आपको सबको ध्यान है कि अभी भीषण गर्मी का दौर चालू हो चुका है और कल हम जब हमारी जो युवा टोली हम सब लोग बैठे थे, दिन में बैठ के हम आपस में बात कर रहे थे, तो हम सब सर्च कर रहे थे, फेसबुक देख रहे थे बैठे बैठे, तो इतने में MTTV के जो सुशील जी भाई साहब हैं इनकी एक पोस्ट हमको दिखी और उस पोस्ट में पीपा, चार तरफ से पीपा काटा हुआ था और उसी में दाना और उसी में पानी। तो उस फोटो को देखकर हम सभी लोग एकदम से उसकी ओर आकर्षित हुए और हमको लगा कि हाँ ये हम भी कर सकते हैं और तुरंत हमने उस आइडिया को फॉलो करा और हाथों जो हमारी युवा टोली थी, हम युवा टोली ने खुद ने मिलकर पीपे हमने कलेक्ट करे और पीपे कलेक्ट करके हमने खुद ही हमने औजार सारे जुटाए और औजार जुटाकर थोड़ा था मुश्किल ये करना, लेकिन हमने खुद ही हाथों सबको पीपे को काटा और काटकर हमने एक अच्छा एक पीपा तैयार कर दिया। और पहले ये जो चार एक पीपे में जो चार दाने के थे पॉकेट, उसको हमने चार की जगह हमने आठ कर दिए हमने। तो इस तरह से एक ये इस एक पीपे के अंदर जहाँ पर भी जो हमारे गाँव के जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थान है या कोई सामाजिक स्थान है, कोई चौराहे हैं, वहाँ पर हम सब ने लक्ष्य लिया है कि हम लोग जो है ये इस तरह के जो पीपे हैं इन पीपे को लगा रहे हैं अभी, ताकि जो पक्षी हैं वो उसमें पानी भी पी सके और दाना भी आराम से ले सके। और ये जो आइडिया है ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुशील पाल जी हैं, इनकी फेसबुक आईडी पर हमको दिखा और बस दिखते ही जो है हमने इसको तुरंत फॉलो किया और मेरी भाई साहब से बात हुई कि हाँ हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। और आज हमने इस काम को करते करते कई लोग जो दूसरे लोग हैं उन लोगों ने भी हमको फ़ोन करके बोला कि यार ये आप लोग बना रहे हो क्या, हमको भी आप उपलब्ध करा सकते हो क्या। तो हमारी युवा टोली ने एक निश्चय भी करा कि एक तरह से ये स्वरोजगार का एक माध्यम भी हो गया और स्वरोजगार भी ऐसा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के घर में तेल के पीपे आते ही है। तो हमने ये निश्चय करा कि एक बहुत कम लागत में, कम मजदूरी में हम दूसरे लोगों को ऐसे पीपे तैयार कर उपलब्ध करावें। उससे जो हमारे गाँव के जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और जो इस भीषण गर्मी के दौर में जो पक्षी हैं उनको दाना और पानी की व्यवस्था भी हो पाएगी। भीषण गर्मी में पक्षियों को, बेजुबान पक्षी जो है उनको दाने पानी की व्यवस्था हो पाएगी। आप देखिए किस तरीके से ये एक तस्वीर जो परवीन कासवान हैं IFS अधिकारी हैं उन्होंने पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस पीपे को जो बेकार पड़े होते हैं उस पीपे को इस तरीके से बनाया है कि इस वाले जो कॉलम है यहाँ पर दाना डाला जाता है और यहाँ पर पानी डाला जाता है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और एक तरीके से जो इस काम को करने वाले लोग थे, गड़िया लोहार जो लोग थे, उनको भी एक तरीके का रोज़गार इसके ज़रिए मिल सकता है, क्योंकि कई लोगों में अब इस पीपे को लगाने की मंशा जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग चाह रहे हैं कि इसको जगह जगह जो पेड़ दिखाई देते हैं, मंदिरों में दिखाई देते हैं, वहाँ पर टांगा जाए, जिससे कि जो बेजुबान पक्षी हैं उनको दाने चारे की कहीं समस्या ना आए, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर है, कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है, जहाँ लोगों तक खाना नहीं पहुँच पा रहा, तो वहीं बेजुबान जो पक्षी हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, देखना होगा कि ये जो पहल है ये पहल कितनी कारगर साबित होती है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, दौरई। कल MTTV का एक संदेश सोशल मीडिया पे हमने देखा था
उसी के माध्यम से हमारी एक योजना बनी कल कि हमें भी मिलकर जो पशु पक्षी है उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी अभियान को देखकर हमने भी कल कुछ पीपे इकट्ठे करके उनको एक साधन का उपयोग किया है उसका, और 50 ऐसे पीपे हमने तैयार किए हैं जो पशु पक्षियों के दाना पानी के काम आएंगे। उनको आज से हमने लगाना शुरू कर दिया है। आपका नाम? राजेंद्र सामरिया, पंचायत सहायक दोरई। आप लोगों ने तैयार किए हैं और क्या आप लोगों के पास फोन भी आ रहे हैं दीपों के लिए? अब तक हमने हमारी जो युवा साथी है हम सब भाइयों ने मिलके अब तक हमने 50 पीपे कटिंग करके बढ़िया, और इनको हमने अब तक 50 पीपे तैयार कर चुके हैं। और हमारे पास हमने सोशल मीडिया पे इनको डाला भी था, उस माध्यम से हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि बहुत जन हैं जो कॉल करके मैसेज कर रहे हैं, कमेंट में कर रहे हैं कि हमको ये पीपे चाहिए। हम कम लागत में उनको पीपे की व्यवस्था भी करवा रहे हैं और हम सब भाइयों ने मिलके और ये पीपे बनाए। सर, आपका नाम? लखन सिंह मंडरावलिया।